मेरे हम सफर मत कर फट गई भाई दोनों की 28 29 क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज की कैंपिंग हमारी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा पीछे हमने कुछ गांव दिखाए और कुछ स्कूल दिखाए और इतनी पहाड़ी की ऊंचाई में आ चुके हैं ना। पीछे देख सकते हैं हमने अपनी गाड़ियाँ भी लगा ली और ये पूरी लोकेशन देखे कितनी प्यारी है। और यहाँ से हमने एक प्यारी सी लोकेशन ढूंढनी है अपने लिए, जहाँ से सुबह का व्यू और पूरा रात का व्यू, चाँद सितारे देख सकें, ऐसे व्यू पर जाना है हमको। तो पीछे टीम के मेम्बर सभी लोग हैं। हेलो दोस्तों। हेलो। तो चले भी कैंपिंग शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे बढ़िया कैंपिंग। एक दो तीन बीच मार्क ये वाला भाई। दोस्तों अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं यार, और पीछे देखिए तीनों के तीनों टेंट हमने पिच कर लिए हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। एक तो मैं देख सकते हैं छोटे पैंट में आ गया हूँ थोड़ा, और अपना साथी चांद आपको दिख रहा होगा। आज ही फिर से चंदा मामा आ गए। तो फटाफट से आप लकड़े वगैरह ढूंढ लेते हैं। बजरंग बली और दुश्मन की नली। अरे वाह, बाहुबली की जय। 50 किलो से भी ऊपर है ये, लगभग लगभग होगा 80 या 70। ओ भाई मान गया, मान गया यार, है रियल पहाड़ी, रियल पहाड़ी। ये होती है पहाड़ियों की ताकत भाई। और योगेश भाई की ना काफी ज्यादा फट भी चुके हैं, वो सोच रहे कैमरा कम बंद करे और कम मैं नीचे रखूं। ये इतना तो मेरा वार्म अप है गाइस। जान जाए पर जान न जाए। हाँ योगी भाई यहाँ पे फेंक दो। वाह भाई बहुत ही बढ़िया यार, बंदा टेढ़ा हो गया यार। अपना दोस्तों लकड़ी वगैरह आ चुके हैं अच्छे से। और यार योगी भाई के लिए एक लाइक जरूर से कर दिया, इतनी बड़ी लकड़ी लेके आए ना। बिल्कुल यार गाइस, योगेश भाई ना काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और भाई बाहुबली वाली स्टाइल में फटाफट से पानी लेके आते हैं। पानी का कुछ पता है नहीं कहाँ पे मिलेगा हमको। थोड़ी देर पहले जब उजाला था ना उस टाइम पे हमने आवाज सुनी उस साइड को, तो उस साइड को जाने जाते हैं। कल की आवाज आ रही थी और यार एक दो शियार भी देखे थे आगे हमने, तो जानवर यार हो सकते हैं। यहाँ खतरा बहुत है, खतरा तो बहुत बना हुआ है यहाँ, अनजान रास्ता है। यहाँ पे होने वाला नहीं है कोई प्रॉब्लम, पानी की होने वाली है नहीं। और यहाँ देखिए गाइस नौला बना हुआ है, इतने बड़े बड़े कांटे हैं। चुप गए ना,
तो काफी ज्यादा हालत खराब होने वाली है। नहीं तो दोस्तों अलग अलग घर तो ला चुके थे और अब पानी लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर पानी के नले होते हैं, मतलब पहाड़े जहाँ ऊपर काफी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो पानी रुकता है नहीं। तो एक बहुत दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए आप भाई लोग पानी भर रहे हैं और जो तो इसके अंदर है ना ये कुछ ऐसा बना है, देखिए अंदर पूरा एक घर टाइप में है, इसके अंदर है ये पानी। और बाकी एक दो और हैं, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, देखिए उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी। तो फटाफट से पानी भर लेते हैं और फिर चलते हैं कैंपिंग लोकेशन पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है दोस्तों। आग जलाओ यार, ठंडा हो रहा है। ये लो, ये भी पूरी सूख गई है। ये और रुक जा रुक। हाँ वे तो होने गर्मा गर्म चाय पीने का एक अलग ही आनंद आ रहा है आज तो, क्योंकि आज थोड़ा ट्रैवलिंग हमने गाड़ी से की है तो काफ़ी दूर गए हैं हम। और देखिए आग और भाई लोग भी चाय का काफ़ी प्यारा सा आनंद ले रहे हैं। और ना यहाँ पे क्या सुकून मिल रहा है यार, पूरे 360 दिख रहा है लगभग। थोड़े से पहाड़ यहाँ से ऊपर को हैं। अब तो फटाफट से आज एक खाने में स्पेशल है, तंदूरी बनाने वाले हैं हम। चिकन तो करी हम हमेशा बनाते हैं तो आज तंदूरी बनाने की सोच रहे हैं तो तंदूरी चिकन बनाते हैं आज। बारबेक्यू बना रहे हो? गोल्डन बारबेक्यू बनाए बना हैं आए सबसे हम बोल लेके हैंग करने के लिए चाहिए। भाई क्या टेस्टी बना है यार, देखिए गाइस मजा आ गया दोस्तों। डोगी नहीं आया, डोगी वाया बाहर हो गए थे। अच्छा मजेदार बना है दोस्तों, मजा आ गया यार। इवन के आज का न्यू डिश इवन ना मैं आंखों से देखते ही मतलब नीचे से गायब हो जा रहे हैं तो बोला नहीं। आगे अपना प्याज मसाला सब कुछ कर चुका है, हड्डी वाले भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में। प्याज में भी मज़ा आता है, अरे शिमला मिर्च में भी मज़ा आया। दोस्तों बारबेक्यू वगैरह तो खा लिया है और टाइम भी 12 बज चुके हैं यार। और यहाँ पे एक बड़ा सा कंपटीशन चल गया है, वो देखिए
चलो भाई शुरू हो जाओ। दीप से मिलने वाला है, दो भाइयों के बीच कंपटीशन होने वाला है और हारने वाले को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। तो आज कंपटीशन होगा और मैं रहूंगा जज। देखिए चलो भाई रेडी रेडी, थोड़ी बहुत अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। रेडी ऑल सेट, 3 2 1 गो। 1 2 8 9 चीटिंग कौन कर रहा है, मैं यहाँ से देखूंगा। 11 ये नहीं होगा, गाली नहीं होगी। 24 कर, फट गई भाई दोनों की। 28 तगड़ा पंगा हो गया। आता है तगड़ी वक्त भी छिल गई है यार दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा तगड़ी वक्त थी। और यहाँ पे हमारा चिकन लगभग बनने वाला है, तो काफी ज्यादा ग्रेवी बन गई हमारी शायद। जब खाते हैं और चावल ही बन चुके हैं हमारे, तो आई डाल दी प्रॉपर। बस प्यार रहेगा तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। मेरा मैट मेरे को छोड़ देना यार। दोस्तों खाना पीना तो अच्छे से हो चुका है यार, रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काफी थकान भी हो चुकी है और नींद काफी तेजी से आ रही है। लगभग 1 बज गया ना। हाँ, तो 1 बज गया यार, 1:30 हो चुका है। तो सो जाते हैं और यहाँ का कल सुबह का व्यू ना दोस्तों काफी तगड़ा है यार। अभी का व्यू भी एकदम काफी ज्यादा तगड़ा, बोलते काफी तगड़ा। बस रात अंधेरा है, अगर सुबह होती ना काफी ज्यादा अच्छी रहती यार, क्योंकि अभी इतने चांद सितारे दिख रहे हैं ना। चांद तो की है लेकिन सितारे काफी ज्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। कल सुबह पूरा व्यू दिखाऊंगा दोस्तों 360 इधर से उधर से लेकर सब। और आधे बंदे सो गए हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग। मिलता हूँ कल सुबह मॉर्निंग में, अगले गुड नाइट। किस टाइप की लोकेशन में मैं हूँ बोलना नहीं है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? पीछे अभी थोड़ी देर पहले आपने प्यारा सनराइज देखा होगा यार, और चाय वगैरह बनके हमारी तैयार है तो इसका एंजॉय ले रहे हैं। और बाकी भाई लोग पीछे भी उठ चुके हैं, सभी भाई लोग गुड मॉर्निंग। और कल रात दोस्तों यार मतलब एक बार भाई लोग बोले थे कि थोड़ा सा रिस्की मामला हो गया था यहाँ। हाँ गर्ल्स लाना गाइस, शायद बाघ आया क्या है यार पता नहीं। रात की ना चिकन की जितनी भी हड्डियां बची थी वो सारे गायब हैं। एक भी पीस यहाँ पर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, सारी की सारी गायब हो गई है, सारी हड्डियां गायब हो गई है, पीस नहीं हुई है गायब। और लोकेशन भाई क्या गजब लोकेशन है यहाँ पर से। बस चाय पीता हूँ फिर आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ, पूरी लोकेशन के बारे में बताता हूँ और लोकेशन दिखाता हूँ अच्छे से। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बोला था कि लोकेशन दिखाऊंगा, क्या गजब ही लोकेशन है यार। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, बाकी अपनी कैंपिंग वहाँ पे थी, तीनों टेंट वहीं पे पीछे है सभी भाई लोग। और देखिए यार क्या तगड़ा व्यू आ रहा है। और दोस्तों माफ़ करना, मैंने कल रात आपको बोला था कि मैं कुछ शहर दिखाऊंगा आपको पहाड़ों के ऊपर से जो शहर दिखते हैं, तो ये देखिए इन पेड़ों के बीच से दिख नहीं रहे हैं क्योंकि कल रात काफ़ी डर था यहाँ, खतरा था, तो मैंने उतना जानना अच्छा नहीं समझा। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर से, देखिए आप उतना क्लियर दिख रहा है आप लोगों को,
बट माफ करना, लेकिन आपको जंगल देख के काफी तगड़ा लग गया होगा। इन जंगलों में बाघ भालू सभी चीज का काफी ज्यादा खतरा है यार दोस्तों। देखिए पूरे पाइन ट्री है और बाकी इस साइड को वो ठंडे इलाके में होते हैं ना वाले ट्रीज हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर से जो व्यू दिखाया मैंने वो अच्छा लगा होगा। और बाकी इतना मैं यहाँ पता नहीं मेरे को कहाँ है, ये नाम बोले थे करीम करके कुछ नाम बोले थे इस लोकेशन के बारे में। इसके बाद कैमिंग लोकेशन में चल, तब तक आप कुछ सिनेमेटिक देख लीजिए यहाँ पे। दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने सिनेमैटिक देखे होंगे यार, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया भी लगी। और यहाँ पे जहाँ पे हमने टेंट पिच किया है काफ़ी बढ़िया फैला हुआ है, और सुबह का सनराइज़ भी देखा होगा क्या प्यारा उग रहा था सूरज। इस बढ़िया सी पहाड़ी के टॉप पे हैं हम लोग, तो चलते हैं हम घर को। और कल ट्रैवलिंग भी हमने काफ़ी दूर की है, फटाफट सामान पैक करके घर चलना पड़ेगा यार, क्योंकि बारिश वगैरह आ गई तो भीग सकते हैं हम सब लोग, इतना रिस्क भी लेंगे नहीं। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो लोग भी इतने देर तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, बाय। जाते जाते दोस्तों ये फल दिखे हमको, तो आपको दिखा देता हूँ, तो बाय।